भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से रच दिया इतिहास। ये 21 साल का होनहार बल्लेबाज इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है कि सामने वाले गेंदबाज की धज्जियां उड़ जाती हैं। यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेल डाली और तोड़ दिया बरसों साल पुराना रिकॉर्ड। यहाँ पर 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 350 रन ठोक दिए, जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़ को भी कुछ समझ में नहीं आया और वो भी खड़े होकर यशस्वी जायसवाल को सलाम ठोकने लगे और तालियां बजाने लगे। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने ऐसा मैदान पर कहर बरसाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि 400 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर यशस्वी जायसवाल को सलाम ठोका। 21 साल का ऐसा होनहार बल्लेबाज है जो मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। पहले टेस्ट मुकाबले में 86, दूसरे टेस्ट मुकाबले में 209 रन ठोके और तीसरे टेस्ट मुकाबले में 400 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिंकू सिंह और शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ना कर पाए, वो 21 साल के बल्लेबाज ने कर दिखाया। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि जिसको देखकर आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब तीसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस छाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का पहले न्योता दे दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा घातक खुकार विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर पड़े। जहां पर रोहित शर्मा ने शुरुआत चौके से की। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की तो उन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इतिहास ही रच दिया। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में शानदार 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया तो वहीं दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से लगातार 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। आप सभी को बता दें कि यहां पर रोहित शर्मा ताबड़तोड़ खुकार विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने तो कसम खाई थी कि जब तक 300 या 400 रन नहीं ठोकेंगे तब तक मैदान से वापस नहीं आएंगे, और शायद यशस्वी जायसवाल की यह सही जो है सोच उन पर हावी हो गई। यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर में 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 5 चौके जड़ दिए, जहां पर 1 छक्का जड़ दिया। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि अच्छे से अच्छे गेंदबाजों के और बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यशस्वी जायसवाल खेल रहा है या महेंद्र सिंह धोनी। कोच राहुल द्रविड़ को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। यशस्वी जायसवाल ने अपने अकेले मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल के पिता देख रहे यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी, उनकी आंख से आंसू छलक आए और वो भी तालियों से स्वागत कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप फ्लॉप रहे, उसकी वजह से रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा को बदला लेना था इंग्लैंड की टीम से। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा और सुमन यशस्वी जायसवाल ने खुकार विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेलते रहे और यहां पर 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 6 गेंदों पर गगन चुमती 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के आगे रोते विलखते नजर आ रहे थे, आखिरकार इनको कैसे तोड़ा जाए और कैसे इनको आउट किया जाए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन ये 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर टिक कर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने तूफान ला दिया, जहाँ पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैदान पर हो क्या रहा है, इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ये कैसे कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। यशस्वी जायसवाल की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा हो। रोहित शर्मा भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से डटे थे। यहां पर 20 ओवर तक जाते जाते रोहित शर्मा ने 112 रन ठोक दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 20 ओवर तक जाते जाते 123 रन ठोक दिए। ये लोग ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर मुकाबला धीरे धीरे ये 30 ओवर तक पहुंचा, जहां पर 30 ओवर तक 150
रन यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए और 30 ओवर तक जाते जाते 124 रन यहां पर रोहित शर्मा ने ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और अंग्रेजों को दम करके धो रहे थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया। जी आप सभी को बता दें, यहां पर 31वें ओवर की छठी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब रोहित शर्मा कैच आउट हो गए पॉप के हाथों। आप सभी को बता दूं कि जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन अपना काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया था। शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और विराट कोहली का साथ देना शुरू किया, लेकिन शुभमन गिल उतना देर तक टिक नहीं पाए और महज 17 रन बनाकर के आउट हो गए। आप सभी को बता दूं कि उसके बाद आए श्रेयस अय्यर काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और 21 रन बनाकर के कैच आउट का सामना कर बैठे। अब श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब आउट हुए तो मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ दिया टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली की। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला जिसने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू किया। अब विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर खैर बरसा रही थी, जहां पर 45वें ओवर में विराट कोहली ने 6 गेंदों पर 4 छक्के और गगन चुंबती 2 चौके जड़ दिए, जहां पर इनकी बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं थी। विराट नाम और काम भी विराट है। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहां पर यशस्वी जायसवाल का साथ दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल को कैसे आउट किया जाए। इंग्लैंड के घातक विस्फोटक गेंदबाज और कप्तान बार बार यशस्वी जायसवाल का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल पड़ते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। यशस्वी जायसवाल की तूफानी भरी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में। यहां आप सभी को बता दूं, इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते नजर आए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि 55 ओवर तक जाते जाते यशस्वी जायसवाल ने 250 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला ऐसा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो तूफान आ गया हो। जब श्रेयस अय्यर, सुमन गिल फ्लॉप रहे तो यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे, जहां पर हर एक बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया, इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने खड़े होकर यशस्वी जायसवाल को सलाम ठोका जब यशस्वी जायसवाल ने तेहरी शतक की पारी खेल डाली। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को 81वें ओवर के चौथी बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया जब क्लीन बोल्ड हुए यशस्वी जायसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज। जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए, विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर एक ऐसा बल्लेबाज आया जिसने तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर कर दी, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। उसने यशस्वी जायसवाल की तरह कटपीस बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोया। जी हम बात करने वाले यहां पर रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला जिसने तीसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते ही विराट कोहली का ऐसा साथ दिया कि ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रिंकू सिंह का रिकॉर्ड बना कि अभी तक रिंकू सिंह ने जितने मैच खेले हैं सिर्फ 2 ही 4 मैचों में उसको आउट कर पाया, वरना रिंकू सिंह को आउट करना भी छोटी मोटी बात नहीं है। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। रिंकू सिंह ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू की और इंग्लैंड के गेंदबाज घातक से घातक जूझ गए रिंकू सिंह को आउट करने में। पहले तो यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को जमकर के रुलाया, लेकिन जब रिंकू सिंह मैदान पर आए तो रिंकू सिंह ने अपनी तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू किया। रिंकू सिंह और विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया, जहां पर इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा चुके थे रिंकू सिंह को आउट करने के लिए। लेकिन रिंकू सिंह ने 106वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर 108वें ओवर में लगातार विराट कोहली ने 4 छक्के 2 चौके जड़े। विराट कोहली और रिंकू सिंह की जोड़ी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी, यहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहां पर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह और रोहित शर्मा, विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से खूब रन खींचे, जहां पर भारतीय टीम ने वार्म अप मुकाबले में काफी बड़ा स्कोर कर लिया। लेकिन फिर जब इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, घातक विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें कि कुलदीप यादव ने और रविचंद्र अश्विन ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी करानी शुरू कर दी, जहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। यहां पर दो इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे थे जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह जैसी आंधी हो, तूफान हो, तो मैदान पर वो कैसे टिक सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने घातक विस्फोटक और कराई, जहां पर जो है उस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत ने ये तीसरा टेस्ट मुकाबला वार्म अप में अपने नाम कर लिया। फिलहाल भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच वार्म अप मुकाबला खेला गया, रियल मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। आप लोग ईश्वर से दुआ कामनाएं बनाए रखिए कि हमारी भारतीय टीम मुकाबला जीते। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के लिए, विराट कोहली के लिए वीडियो को लाइक दिल से जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।